हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग फाइल। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी यमी भेजा फ्राई की रेसिपी। तो ये रहे उसके इंग्रेडिएंट्स। बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है, बहुत इजीली बन जाती है। और इस रेसिपी की अच्छी बात ये है कि इसको बनाने जा रहे हैं मेरे भाई। तो इसके लिए यहाँ पर हमने लिया है आधा चम्मच गरम मसाला, एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच हल्दी, एक चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, एक चम्मच के करीब नमक लिया है, एक से डेढ़ चम्मच हमने यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च काट के रखी है, और दो से तीन टेबलस्पून हमने दही लिया है। तो चलते हैं अब हम कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर हम दो से तीन बड़े चम्मच ऑयल ले लेंगे एक कढ़ाई में, और इसे गर्म होने देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो हमने इसमें डाली है थोड़ी सी काली मिर्च और कुछ लौंगे। इसके बाद हम इसमें दो मीडियम साइज़ के ऑनियन कट करके डाल देंगे और इनको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। यहाँ पर जो हमने भेजा लिया है इसको हमने बॉईल करके रख लिया है, और हम इसको इस तरह से नाइफ से कट कर लेंगे। तो यहाँ पर अच्छे से इसको वॉश करके हमने बॉईल कर लिया था, अब हम इसको इस तरह से कट कर रहे हैं ताकि छोटे छोटे पीसेस में कट हो जाए। यहाँ पर हमारी प्याज भी ब्राउन होने लगी है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि एक से डेढ़ चम्मच है। इसको ऐड करने के बाद हम इसमें अच्छे से चम्मच चलाएँगे और अदरक लहसुन के पेस्ट को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। इसको थोड़ा सा कुक करने के बाद हमने जो ड्राई मसाले लिए हैं हम वो इसमें ऐड कर देंगे। तो सारे ड्राई मसालों को हमने इसमें ऐड कर दिया है। इनको हम अच्छे से चलाएंगे और इनको कुक होने देंगे। थोड़ा सा ये ड्राई लग रहा है, इसी के लिए हम इसमें दो से तीन टेबलस्पून के करीब पानी ऐड कर देंगे ताकि अच्छे से कुक हो सके। सात से आठ मिनट इसको अच्छे से भूनने के बाद हमने इसमें हमारा दो से तीन टेबलस्पून दही ऐड किया है। दही के प्लेस पे, अगर आपके पास दही अवेलेबल ना हो तो आप दही के प्लेस पे टमेटोज भी ऐड कर सकते हैं। दो से तीन टमाटर कट करके अच्छे से इस स्टेज पे आप डाल सकते हैं। और दही के भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा भेजा जो कि हमने बॉइल्ड और कट करके रखा है, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए अब इसे कितना टेम्प्टिंग, कितना यमी लग रहा है। तो इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे और इसको हम ढक के 5 से 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे। अब हम इसे ढक देंगे। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं कि कितना हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छे से कुक हो चुका है और ये ऑलमोस्ट कुक हो गया है, पूरी तरह से पक चुका है। अब इसमें हम मिलाएंगे हमने जो हरा धनिया और हरी मिर्च कट करके रखी थी वो। अगर आपको इस स्टेज पर कुछ पानी लगता है तो आप हाई फ्लेम करके इसका जो पानी है वो ड्राई कर सकते हैं। तो ये ऑलमोस्ट ड्राई ही बनता है। तो इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च हम ऐड कर देंगे। तो इसमें हमने ऐड कर दिया है, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और तो बनके तैयार है मज़ेदार सा चटपटा भेजा फ्राई। तो कैसी लगी आपको इसकी रेसिपी, कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें जिससे आने वाली सभी मेरी वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी ही किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।